अभी मैं तुम्हें बता रहा था एनबीएस के बारे में। एनबीएस क्या है? एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड स्ट्रक्चर मैं इसका तुम्हें बता चुका हूँ, ये इसका स्ट्रक्चर है, एन और ये बी आर, एन और ये बी आर, दिस इज एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। और इसके अंदर ये एनबीएस जो है, ये एक तो ब्रोमीन को बहुत ही लेस अमाउंट में प्रोवाइड करता है, दूसरा पॉइंट बताया इसके साथ इम्प्योरिटी होंगी अगर Br2 की और HBr की तो ही हम इसको यूज कर सकते हैं। प्योर एनबीएस इज इनर्ट, प्योर एनबीएस इज इनर्ट। तीसरा मैंने तुम्हें बताया ये प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, प्राइमरी एल्कोहल हो या सेकेंडरी एल्कोहल हो। एनबीएस डालेंगे, एनबीएस डालेंगे तो ये सीधा इसका क्या बना देता था, रेडिकल। याद आ गया रेडिकल, ये रेडिकल स्टेबल होता है ना, इसलिए ये ओ से लोन पे लेकर रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे फिर बीआर अटैक करता है जो एनबीएस से मिलता है, और उसके बाद एक ही कारण पे एक्स भी है, हेलोजन भी है और ओ भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा, ये लोन पे देगा और आंसर आ जाएगा इससे क्या, CH3CHO। सेम चीज हम इसमें भी करते हैं, एनबीएस डालेंगे तो एसीटोन आ जाएगा, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। एनबीएस इधर भी है, इधर भी H2 बाहर निकला है, इधर भी H2 बाहर निकला है, आंसर आ जाएगा एसीटोन। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ पीछे, ये तुम्हें बता चुका हूँ मैं। एनबीएस के 4 पॉइंट्स, लेस अमाउंट में यूज, तो लेस अमाउंट में ये देगा ब्रोमीन, इसको हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनर्ट होता है, Br2 और HBr की इंप्योरिटी होगी तो ही ये काम करता है, और प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज कर देता है कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर। और फोर्थ पॉइंट, ये एलाइल पोजीशन में Br लेके आता है और बेंजाइल पोजीशन में Br लेके आएगा। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया था, अगर प्रोपीन है, एनबीएस डाला तो ये दे देगा एनबीएस जो कि लिमिटेड अमाउंट में Br देगा, अगर एक्सेस में Br दे रहा होता है ये तो सेकेंडरी पोजीशन पे Br लगता, ध्यान होगा तुम्हें, Br लगता प्राइमरी पे और रेडिकल आता सेकेंडरी पे, याद है ना कराया वो मैकेनिज्म पहले फ्री रेडिकल में स्टार्टिंग में, बिल्कुल अगर तेरे को ध्यान है ये क्या? लिमिटेड लिमिट एनबीएस में ब्रोमीन लिमिटेड अमाउंट में मिल रहा है इसलिए लगा ये हाँ एलाइल सब्स्टिट्यूशन, और अगर Br रेडिकल डायरेक्ट डाल दें एक्सेस में तो एंटी मार्कर उसूल स्टार्टिंग में कराया था कि नहीं, यस सर, याद है। CH5CH2Br। ये अब इस वाले पार्ट का मैकेनिज्म रह रहा है जो हमें करना है, इस पार्ट का, ये यहाँ जो मैंने बताया ना बातें, सिर्फ इतना ही मैकेनिज्म नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। एनबीएस का रोल याद होना चाहिए उसमें, ये भी इम्पोर्टेंट, लिमिटेड अमाउंट में Br देता है, लिमिटेड अमाउंट में Br देता है, सही ना। अब इसका मैकेनिज्म जो है, मान लेते हैं Br2 को इम्प्योरिटी की तरह इसके अंदर, एनबीएस के साथ Br2 की इम्प्योरिटी आ गई, HBr की भी इम्प्योरिटी आ सकती है, एक्चुअल में Br2 की इम्प्योरिटी मानने का ये पर्पज है, Br2 की इम्प्योरिटी आई तो HBr का काम भी कर जाती है, बीच में HBr भी बनता है इसलिए। मैंने अगर एग्जाम्पल लिया टोल्यून का, मैंने इसमें डाल दिया एनबीएस, मैंने इसमें एनबीएस डाला तो आंसर आएगा PhCH2Br, PhCH2Br। अगर मैंने प्रोपीन लिया होता तो एलाइल ब्रोमाइड आता, प्रोपीन लिया होता तो एलाइल ब्रोमाइड आता, मैकेनिज्म Br2 इम्प्योरिटी है ना, यही काम करेगा, पहले Br2 लाइट पड़ते ही टूटेगा, सनलाइट होता है इसके साथ, लाइट पड़ते ही टूट जाएगा क्या, दो Br रेडिकल, दो Br रेडिकल। अब ये Br रेडिकल अटैक करेगा टोल्यून पे, PhCH3 है ना, इस पे Br रेडिकल अटैक करेगा, Br रेडिकल इस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा PhCH2 रेडिकल प्लस HBr, PhCH2 रेडिकल प्लस HBr, आ गया ना ये एज इम्प्योरिटी। मैंने कहा था अगर मैं इसको भी लेता तो रिएक्शन अब आगे वाले स्टेप से स्टार्ट हो, मैंने Br2 लिया ताकि HBr का रोल इसी में आ जाए, ताकि HBr का रोल इसी में जाए आ जाए। अभी ये HBr जाएगा किसके, एनबीएस के पास, अभी ये HBr जाएगा एनबीएस के पास, उससे लेगा ब्रोमीन को, ये गया एनबीएस के पास, ये एनबीएस, वो इससे लेगा ये HBr ब्रोमीन, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन, अब इमीडिएटली एच रेडिकल तो अकेले रह ही नहीं सकता, वो तो बहुत रिएक्टिव होता है, तुम्हें याद होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है इंटरनली क्योंकि साइज छोटा है इसका, ये बना देगा एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड।
सॉरी सक्सिनिमाइड बना देगा, सक्सिनिमाइड बन जाएगा, साथ में बन गया Br2, साथ में बन गया Br2। अब ये Br2 दोबारा कहाँ जाएगा, PHCH2 के पास, रेडिकल के पास जाएगा ना, रेडिकल के पास जाएगा ये PHCH2 रेडिकल के पास। PHCH2 रेडिकल प्लस गया इसके पास Br2, प्लस Br2 गया इसके पास तो क्या बन जाएगा, PHCH2 Br और प्लस Br रेडिकल, और ये Br रेडिकल क्या स्टार्ट कर देगा आप, चेन रिएक्शन, ये Br रेडिकल चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। अब ये दोबारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये रहा इस पॉइंट पे गया, यहीं गया ना, और दोबारा टोल्यून पे अटैक करेगा। तीनों शब्द दोबारा, ये वाले तीनों शब्द दोबारा रिपीट होंगे और फिर फाइनली ये बनेगा, फिर दोबारा जाएगा ये, दोबारा ये इस पे अटैक कर देगा PHCH3 पे, टोल्यून पे, दोबारा यही PHCH2Br मिल जाएगा, और फिर फाइनली जाकर के ये चेन रिएक्शन चलती जाएगी ताकि ये जो है हमारा मेन प्रोडक्ट जो है एक्सेस में, ताकि मेन प्रोडक्ट जो है एक्सेस में हो जाए, यही Br रेडिकल चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, चेन रिएक्शन है, इसके अंदर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता चेन, पता ही है फ्री रेडिकल में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्या क्लियर हो गया पूरा मैकेनिज्म, यस सर, डाउट तो नहीं किसी को, इसको लिख के देखो किया ना, गर्व गर्व सिंगल को आते हैं मैकेनिज्म, वो हमेशा लिख के लेके आ रहा है मैकेनिज्म, तुम में से कोई भी नहीं दिखा रहा काम अपना इस टाइप का, तो लोग अपना खुद सिलेक्ट करो कि क्या चीज मेरे को बार बार लिखनी है ताकि मैं भूलू ना इस चीज, ये खुद तुम लोग सिलेक्ट करो। मैंने क्या बोला, NBS है ये, प्योर फॉर्म में कभी यूज नहीं होगा, इनर्ट होता है, इसके साथ Br2 की और HBr की इम्प्योरिटी आती है, Br2 की और HBr की इम्प्योरिटी आती है तो ही ये काम करता है। होता क्या है, Br2 की इम्प्योरिटी टूटी 2Br रेडिकल में, ये Br रेडिकल अटैक करेगा मेन सबस्ट्रेट पे यानी PHCH3 पे, PHCH3 पे अटैक करेगा रेडिकल, तो इसको रेडिकल के फॉर्म में ले आएगा, PHCH2 रेडिकल बन जाएगा, साथ में HBr, HBr की इम्प्योरिटी, HBr इम्प्योरिटी की फॉर्म में होता तब PSE होता, नहीं तो ये बन ही गया यहाँ पे, ये बन गया। अब ये जाएगा NBS के पास, जिसके पास ब्रोमीन प्रेजेंट है, ये NBS के पास गया, NBS के पास गया तो वहां पे HBr, वहां पे HBr, यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन किसका हुआ, ये इधर होमोलिटिक फ्यूजन, इधर होमोलिटिक फ्यूजन, क्या आ गया, सक्सिनिमाइड आ गया, साथ में आ गया Br2, ये Br2 किसके पास जाएगा, जो रेडिकल दिखेगा इसको, ये रेडिकल इसके पास जाएगा PHCH2 रेडिकल के पास, ये रहा स्टेप, इसके पास गया, इसके पास गया Br2, क्या बन जाएगा, PHCH2Br, Br रेडिकल, ये Br रेडिकल चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, यहाँ गया चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। तो ये NBS का मैकेनिज्म था, दो मैकेनिज्म कराए हैं, दोनों जरूर आने चाहिए। अब ये क्वेश्चंस रह गए जो क्वेश्चंस करने हैं, अगर सर अगर NBS में Br की जगह Cl होता तो रिएक्शन नहीं होती ना क्यों, सर, फिर वो उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा ना, वो 2p पर 3d पर बॉन्डिंग के उससे। ये है ना, देखिए कुछ डबल बॉन्ड N और Cl, ये आ जाएगा इसमें, यस सर, रिएक्शन नहीं होगी इसमें, सर मतलब होनी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें एन और सीएल के बीच में डबल बॉन्ड कनेक्टर होगा ना थोड़ा सा इसलिए सर, उसमें वो 2p पाई 3d पाई बॉन्डिंग हो रही है। यार इसके पास भी लोन पेयर है, अगर इसके पास भी लोन पेयर है तो फिर कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी इसमें, सर इसका वेकेंट वेकेंडिशन ही हो जाएगी। तो इसके लोन पेयर तो यहाँ यूज हो रहे हैं ना, इधर ऊपर, तभी तो बॉन्ड वीक हो रहा है इसका, सर बिल्कुल भी नहीं आएगा फिर डबल बॉन्ड करेक्टर। अगर पता थोड़ा सा ना इसमें तेरे को बैक बॉन्डिंग वाला थोड़ा सा, ये याद है तेरे को PF3 है, जैसे PF3 में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती, याद है कि नहीं, क्यों यस सर, क्या सर इसमें वो होती है ना वो रेजोनेंस। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होता, ऑक्टेट कंप्लीशन है PF3 का, जब ऑक्टेट कंप्लीशन है P का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्यों लोन पे लेगा अपने वेकेंट ईयर अंदर, समझा कि नहीं है, यस सर, PF3 हो गया, Cl2O हो गया, ऐसे CLF, सॉरी CLF हो गया, Cl2O भी हो जाएगा ना, CLF हो गया, इनमें क्यों नहीं होती बैक बॉन्डिंग पे, समझा कि नहीं, सर फिर PF3 में रेजोनेंस भी नहीं होती, मतलब वो जो कही थी। हाँ नहीं वो डीपाई बीपाई वाली अच्छा, नहीं होती,
एक्सेप्शन सर। लिखवाई हुई है मैंने, सर PF3 वो PL आपने टू बताया फोर नहीं था एक्सेप्शन। उस समय, आंसर वैसे आपने क्वेश्चन लिखवा दिया था। अच्छा नहीं, ये बैक बॉन्डिंग पड़ेगा ना लास्ट ईयर का, उसमें लिखवाया हुआ मैंने सर, बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग जो जो भी टॉपिक पढ़ता है ना उसमें जी पड़ेगा, तो एक बार काम पे सही है कर। तो सर, ये जो पे NBS का मैंने लिखवाया है ये लिख लेना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर समझ नहीं आएगा, फिर दिक्कत आएगी नेक्स्ट टाइम। NBS है और नीचे NCS लिखा मैंने, जो कार्तिकल ने पूछा था अभी, NCS एन क्लोरोसक्सिनिमाइड, इसकी प्रिपरेशन भी नोट कर लो एक बार, एक बार प्रिपरेशन और नोट कर लो, NBS की प्रिपरेशन नोट कर लेंगे, सक्सिनिक एसिड से होती है ये, रहा सक्सिनिक एसिड। इसमें डालेंगे अमोनिया, सॉल्ट मिलेगा, COH है तो COONH4 बन जाएगा। गर्म करेंगे इसको, H2O बाहर, इधर से भी H2O बाहर निकल जाएगा एक, और एक H2O इधर से बाहर गर्म करने से, तो ये आ जाएगा सक्सीनामाइड NH2 NH2, सक्सीनामाइड आ गया है, सक्सीनीमाइड नहीं सक्सीनामाइड। स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे अमोनिया गैस बाहर, और अब आ गया सक्सीनीमाइड। स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो सक्सीनीमाइड, अब एच आ चुका है, बीआर कैसे आएगा इसमें, एच हटाना है इसका, बीआर लेके आना है, तो पहले डालेंगे बेस, जैसे NaOH C2H5O Na KOH कोई भी डाल सकते हैं, बेस डालेंगे इसमें, बेस डालेंगे तो ये एच बाहर, ये एच बाहर, फिर डाल देंगे Br2, फिर डाल देंगे Br2, तो क्या आ जाएगा इससे, Br नेगेटिव और Br प्लस इस पे अटैक कर देगा, मतलब ऐसे करना Br2 को, ये ऐसे है Br2, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा Br प्लस अटैक कर देगा, और आंसर आ जाएगा एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। क्या क्लियर हुआ है? क्या क्लियर हो गए? हाँ सर एंड पास अपन थोड़ी बना दे इसी तो बोलो दोबारा। सर, सेकंड स्टेप में हमने एन के पास अपन बना रखे है ना, सेकंड स्टेप नहीं, इसी तो वो ये है ना, जैसे ये होता है ना CH3CO NH4, O माइनस NH4 प्लस, समझे कि नहीं, ओके सर। आयनिक है, आयनिक NH4Cl बनता नहीं, NH4Cl जैसे अमोनियम क्लोराइड यस सर, NH4 प्लस Cl माइनस है ना, आयनिक बॉन्ड है। सर इसमें लास्ट क्लियर होगा स्टेप कि में नहीं? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की तरह नहीं होता? हाँ कुछ नहीं, लास्ट वाली रिएक्शन में हाँ वो मतलब उससे भी, हाँ उससे भी कर सकता है, फिर आगे जाके रिएक्शन भी होगी लेकिन उसमें, तो इसलिए एक एक स्टेप करके डाल। यस सर ठीक। देखो तुम लोग पता, अगर नहीं करोगे ना, जो बच्चे सिंसियरली बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं कि IIT के लिए या नीट के लिए, तुम लोग अगर इसको इन लेक्चर्स को बहुत सीरियसली नहीं लोगे तो दिक्कत आएगी करने में, मतलब पूरी ताकत लगा दो, जो ऑर्गेनिक इस साल कर रहे हो ना, ऑर्गेनिक ये 11th वाले बच्चे स्पेशली, वो एक एक स्टेप ढंग से करें बिल्कुल, मतलब ये लगा लो कि गर्व सिंगल ने किया इस बार, मैं 11th वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, लेकिन ना मेरे को ना जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना, वो सेटिस्फेक्शन है नहीं पूरी कि हाँ इसने बहुत तरीके से कर लिया है, लेकिन तुम इतना भी कर जाते हो ना इस साल तो सही हो जाएगा काम। तो अपना वीकनेस को ना अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, जहां तुम्हें लग रहा है ये मेरा वीक पॉइंट है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, मेरे को फॉर्मुले याद नहीं रहते, उसी को रिपीट करो 10 बार, अपने आप याद होंगे सारी चीजें, और एक सब्जेक्ट करने लग गए ना ढंग से, दो सब्जेक्ट अपने आप खींच जाएंगे उसके साथ, लेकिन अपना अपना जो इंपॉर्टेंट टाइम ना उसको वेस्ट मत करो बिल्कुल, 1.5 साल रह गया तुम लोगों के पास, 11th बच्चों के पास, पूरी ताकत लगा, मई में पेपर होता है, मई 27 के आसपास एडवांस का पेपर, पेपर इन 12th, अच्छा मैंने वेडनेसडे को क्लास में बता दिया है, 2:15 के आसपास क्लास होगी तुम्हारी, टेस्ट भी होगा, सही ना, टेस्ट भी होगा,
और फाइल ना तुम, मैं आज राणा सर का नंबर तुम्हारे पास है ही नहीं ना, या तो उनसे या एक नंबर मैं और भेज दूंगा, फोन करके मैं फाइल फाइल के लिए बोल दो, और फाइल जरूर ले लो, मेरे फाइल ले लो ताकि मैं पेपर मैक्सिमम करा सकूँ, घर पे भी हो मेरे को बोल दोगे मैं पेपर दे दूंगा करने को। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, ये पढ़ लेना रिवाइज कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम होंगे नहीं फिर।